हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर फर्स्ट हिंदी के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्शा दत्ताशी ने, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन डी मिश्र बंधु ने। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन की परम्परा है उसका सूत्रपात गार्शा दत्ताशी ने किया था जी। और इनकी अगर भाषा की बात करें तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दला लित्रेंत्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि इनका फेमस ग्रंथ था। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है वर्ण क्रमानुसार किया गया था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सूत्रपात किसने किया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गार्शा दत्ताशी ने। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्शन ने, गार्शा दत्ताशी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास है वो अभी हमने जाना कि गार्शा दत्ताशी ने किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो हिंदी साहित्य भाषा के का जो सूत्रपात किया था गार्शा दत्ताशी ने, उन्होंने अपना पहला लेखन जो है वो फ्रेंच भाषा में किया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गार्शा दत्ताशी, ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर और ऑप्शन डी है मिश्र बंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्शा दत्ताशी। नेक्स्ट देखते हैं, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलाल लित्रेंत्योर एंदुई ए हिंदुस्तान और तस्किराए सूरा हिंदी या द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो अगर मैं बात करूं हिंदी साहित्य की, तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वो सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, जो जिनको इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस्तवार दला लित्येंतुर एंदुई ए हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम अभी ही हमने देखा है, इसके लेखक का नाम है गार्शा दत्ताशी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था, ये हमें बताना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में। उसके बाद देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण है वो लिखने वाले विद्वान थे जोशुआ केटलर, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए हुए थे और इन्होंने अपने देशवासी मतलब जो पुर्तगाली थे उनको भारत में व्यवसाय की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तिका हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक लिखा था, जो कि इन्होंने याद रखना ये डेट 1929 में लिखा था, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कीर्ति की भूमिका के रूप में लिखा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन का वर्ष कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रकाशन किया वो 1929 में किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? अभी हमने जाना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था,
तथा जिसे आगे हम परिवर्धित और विस्तृत करके एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिए थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट देखते हैं आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्क्रेच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन थे, हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादरी एडिशन ग्रिप्ज जो हैं वो इसके लेखक थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था, हमें ये बताना है। तो ग्रियर्सन द्वारा जो रचित पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। उसके बाद है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम था, ये हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर किसी एक बुक का लिया गया है तो उससे रिलेटेड ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिए गए हैं ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है इसका हिंदी अनुवाद था। उसके बाद देखते हैं निम्न में से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था, किसका अनुवाद किया था ये हमें बताना है। तो इससे पहले भी हमने देखा था क्वेश्चन, वैसे ही ये भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखते हैं किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास के अगर हम काल विभाजन की बात करें तो इसके काल विभाजन करने वाले जो प्रथम इतिहासकार थे वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन थे। नेक्स्ट देखते हैं किस साहित्य इतिहास ने लेखक किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र बिंदु। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी एक कृति जो कि थी मिश्र बंधु विनोद, इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया था जिसे 8 से भी अधिक कालखंड में विभक्ति किया गया था। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया था। थैंक यू।